जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। परम कारुणिका करुणा वरुणालया भक्तवांछा कलपतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पदकमलतले यधमर अनंतकोटि प्रणाम मणिमा अनंतकोटि प्रणाम सिया राम मय सब जग जारी करहु प्रणाम जोनि जुगपान। जय जगन्नाथ। देखुतबा समस्त श्रोता बंधु मानंकु सप्रेम जय जगन्नाथ। अपन श्रवण करुथिले महाप्रभुंकु किपरि भावरे भल पाइबा कथा कु आपण मानंकु भल भावरे बुझाई देउथिले तन्न तन्न भावरे करी मोर बड़ भाई पंडित श्री भजराम सतपथींकर मुखारविंदरु महाप्रभुंक भल पाइबा। आज्ञा कहा कु किपरि भावरे भल पाइबा ताहा महाप्रभु सिकेई देइथांती। आज्ञा आरंभ होइछि महाप्रभुंक ठारु। जदि भल पाइबा के सिकेइथांती से होछंती महाप्रभु। किपरि भावरे ना भक्तंकु भल पांती महाप्रभु। आज्ञा सेति पाई तो महाप्रभु कहिछंती भक्त मोर सबु किछि भकत लागी मु साजे नाना वेश भकत लागी मु सहे बहु क्लेश। भकत पाई महाप्रभु अनेक प्रकार क्लेश को मध्य सही थांती। महाप्रभुंकर से पतित पावनंकर दर्शन मध्य आपण करुछंती। दर्शन सहित महाप्रभुंकर मध्य अनेक प्रकार कथा को मध्य श्रवण करुथिले। से भले भावरे महाप्रभुंकर पूर्व द्वार रे काहिंकी रहिले अरुण स्तंभ ताहार मध्य आज्ञा कथा अनंत। आज्ञा महाप्रभु इंकर सबु किछि दर्शन काहिंकी लागी थाए इतिपाई समस्ते को जानिबा पई प्रश्न उंकी मारु थाए समस्तंकर मन भितरे ई मंदिर काहिंकी हला। मंदिर सम्मुख भागरे पूर्व दिगरे पश्चिम दिगरे उत्तर दिगरे तो प्रवेश पथ रही किंतु प्रवेश पथ थिले मध्य सेठारे आपण देखिबे स्तंभ केमुठी नाही। ये पूर्व द्वार रे ही स्तंभ रही जो स्तंभर नाम रही अरुण स्तंभ। ये अरुण किए से आगे जानिबा को पड़िबो। ये अरुण किए ना पक्षीराज गरुड़ंकर बड़ भाई जहार नाम होछि अरुण। उपासना गरुड़ उपासना कथा जते बेले आसे निश्चित भावरे महाप्रभुंकर से अरुणंकर कथा मध्य आसी थाय। आज्ञा कहीं ना बड़ भाईंकर कथा न जानिले सान भाईंकर कथा किपरि भावरे जानिबा आमे। से बड़ भाईंकर कथा होछि अरुणंकर कथा। आज्ञा जहाकि तंकर जन्म वृत्तांत मध्य स्वतंत्रता रहिछि। आज्ञा जन्म प्राचीन जहांकर गरुड़ जेपरि भावरे से भली भावरे अरुण सत्ययुगर दक्ष प्रजापतिंकर क्रतु ओ विनीता नामरे दुई जन सुकन्या थिले। सत्ययुग जुग जुगांतरे जुग परिवर्तन चलिछि। सत्य सत्य परे महाप्रभुंकर त्रेतया त्रेतया परे द्वापर द्वापर परे वे कलिजुगे कलिजुग एवे चलिछि। से सत्य युगर कथा प्रजापति जे कि दक्ष प्रजापति तंकर
क्रतु और विनीता नाम रे दुईटी कन्या दुईजन कन्या सुकन्या थिले। पिता दक्ष प्रजापति से कन्या दुयंकु महर्षि कश्यपंकर सहित विवाह कराई थिले। का सहित न कश्यप जय कश्यप नंदन जय कश्यप नंदन देवतांकर को मध्य कश्यप नंदन बोली मध्य कहा जाए था। सूर्य को मध्य कश्यप नंदन अदिति नंदन से भली भाव क्रतुआ विनीता मध्य विवाह करिथिले कश्यप को। स्वामी कश्यप दुई पत्नींकर उपरे विवाह परे परे महर्षि कश्यपंकर सहित अनेक दिन रहिबा परे सेवा पूजा करिबा परे स्वामी कश्यप दुई पत्नींक उपरे प्रसन्न होई बर मागिबा पई कहिथिले। बर आज्ञा इकि परिभाव रे आपण कहिबे ई बरर अन्य नाम होउछि मध्य गोटिए पुरुष किंतु एठारे जो बर से होछि बरदान सदृश्य से बरदान मागिबा पाई दुईटी बर मागिबा पाई कश्यप कहिले कहाकु ना दुई पत्नी को। से भली भावरे क्रतु 1000 तेजस्वी नागपुत्र बर मागि नेले विनीता क्रतु पुत्रंक ठारू अधिक बलशाली और तेजशाली दुईटी बेसी दरकार नाही कहीं कहुई आमर चाणक्य नीति शिक्षा रे एकश्चंद्र तमोहंती न च तारागणे अपि हजार हजार संख्यक तारा किछी दरकार नाही कौन दरकार किंतु गोटे चंद्रमा चाहिले आलोकित करी पारंती। अमावस्या रात्रि रे चंद्रमांकर आविर्भाव न थाए सेति पाई अंधकार जेते तारा थिले मध्य कौन हेब सेति पाई विनीता कौन कले जय जे कि विनता सुत मध्य कुआ जाई थाए से विनता बा विनीता विनता बोली मध्य कुआ जाई थाए विनता कौन कले ना दुईटी पुत्र बलवान बुद्धिमान ता सहित ज्ञानवान हेथिबे अपूर्व बलर पराक्रमी होइथिबे मागी नेले बर अरुण स्तंभ अरुणंकर कथा एठारे रहिछि। किछि दिन परे 1000 अंडारु किछि दिन परे 1000 अंडारु क्रतुंकर नागपुत्र जन्म होइथिले मध्य विनतांकर पुत्र जन्म होइनथिले। व्याकुलित मना जणे खाउथिब आपण सेठी देखुथिबे पैसा पॉकेट रा हाथ मारिबे पैसा अछि त देखिबे पैसा नाही कौन करिबे मन भांगी जीव सिना इच्छा किंतु बढ़ी चालिथिब। सेइभली भावरे देखिले मोर तो वरदान प्राप्ति होई 1000 ये नाग पुत्र पाई की मते दंशन कला भली मते लागुछि किंतु किछि हवा को नाही मु कौन करिबी किपरि भाव रे तर तर हो गले काई के ना सरीसृप पक्षी इंक भितरे बहुत तपात अछि पक्षी केते दिन रे से अंडारु जन्म हेबे तार मध्य स्वतंत्रता रहिछि। से भली भावरे निजे भांगी पड़ीबा सहित व्याकुलित मना होई अधर्ज्य होई गुटी अंडा को भांगी देले सेई भग्न अंडारु अर्ध विकसित आपण देखिबे अरुण स्तंभ उपरे अरुण जो विराजमान करिछंती तंकर पक्षी थिले मध्य नथिला भली अर्ध संपूर्ण भाव रे न अर्ध विकसित बालक अरुण आविर्भाव होइथिले।
विकास र बाधा सृष्टि होइथिबारु अरुणा माता विनीतांकु मध्य अभिशाप देई चली जाइथिले। परिदृश्यमान ये मंदिर एठारे पूजा पाउछंती महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कोटि ओडियार मौरमणि समस्तंकर प्राण बिंदु महाप्रभु कालिया शांत कालिया शांतंकर सम्मुख अर्थात पूर्व दिग सिंह द्वार रे काहिंकि रहिछंती अरुणंकर दर्शन कुहा जाइछि सिंह द्वार सूर्य केउ दिगरे उदय हुंती आज्ञा पूर्व दिगरे तो सेथि पाई पूर्व दिगरे जते बेले सूर्य उदय हेबे सेते बेले तांकर सारथी केउ दिगाडू देखा देबे आज्ञा पूर्व दिग को सेथि पाई केवल पूर्व दिगरे सिंह द्वार आगरे विराजमान करिछंती अरुण किपरि भावरे आइले केउठारु आइले ताहार मध्य रहिछि इतिहास किंवदंती कहीं महाप्रभुंकर प्रवेश मार्गरे सूच ओ अतीव कारुकार्य खचित प्रस्तर निर्मित अरुण स्तंभ प्रतिष्ठित रहिछंती। आपण माने मध्य देखुछंती आज्ञा गोटिए पथर रे महाप्रभुंकर से अरुण स्तंभटी गठित होइछि आज्ञा कला मुगुनी पथर रे जहाँ अरुण स्तंभ मध्य कहा जाय थाए ता सहित स्तंभ अंचलटी अरुण स्तंभ अरुण चकड़ा चकड़ा मध्य ताकु कहा जाय छ अरुण चकड़ा नामरे मध्य परिचित ए स्तंभ रे ए प्रस्तर बा ए जो स्थान उपरे अरुण स्तंभ विद्यमान कला भास्कर्य संपन्न गोटे प्रस्तर रे ही स्तंभटी निर्मित होइथिबा दृष्टिगोचर हुए। ऐतिहासिक मानंकर अनेक प्रकार मत रही आज्ञा आमे किपरि भाव रे देखिबा महाप्रभु को आपण प्रत्यक्ष भाव रे देखंती परोक्ष भाव रे देखंती एवे सीधा प्रसारण रूप रे देखुचंती सेभली इतिहासकंकर मानंकर मत आज्ञा महाप्रभु एभली भावर कथा इतिहास माने ए कथा को नहीं कौन कहंती ताहा आमे जानिबा दरकार मत अनुजाई अतीतरे ही स्तंभटी कोणार्क मंदिर ठारे रही थिला कोणार्क मंदिर ठारे ए स्तंभटी थिला काहेकि ना सेठारे पूजा पाउथिले सूर्य नारायण भास्वत रत्नाढ्य मौली स्फुरधर रुचा रंजितो चारुकेशो भस्वंजो दिव्य तेज करकमल धृति स्वर्णवर्णम प्रभावी विश्वाकाशावकाश ग्रहपति शिखरे भातिजस्योद्रयाद्रो सर्वानंदा प्रदाता हरिहर नमिता पातु मां विश्वचक्षु। सूर्य नारायणंकर मंदिर पुरीठारु अल्प दूर रे अर्थात महाप्रभुंकर से स्थान नाम होछि कोणार्क अर्क क्षेत्र रहिथिले लंगुला नरसिंह देवंकर समय रे कोणार्क सूर्य मंदिर देवंकर वाहन रूप रे अरुण प्रतिमा स्तंभ उपरे विराजमान होई पूजित हे आसुथिले। परवर्ती समय रे कोणार्क मुख्य मंदिर भांगी जीवा परे भग्न पड़िबारु भांगी पड़िबारु अष्टादश शताब्दी रे शेष भाग रे मरहटा मानंकर राजती समय रे भुई वंशज राजा दिव्य सिंह देवंकर ए स्तंभटिकु निखुण अवस्था रे कोणार्क ठारु कौन करिथिले कोणार्क ठारु पुरी मंदिर पूर्व दिग सिंह द्वार रे प्रतिष्ठित कराइथिले।
जाकि अद्यावधि विश्वर कोटि कोटि दर्शनार्थी तथा पर्यटक मानंकर आकर्षण केन्द्र बिंदु महाप्रभुंकर अरुण स्तंभ आज्ञा। ये अरुण स्तंभ को नहीं अनेक प्रकार कथा सिथाए जगन्नाथ मंदिर सत्वलिपि उल्लेख्य प्रकाश रे प्लॉट नंबर है 161 रे अरुण स्तंभ विद्यमान। स्तंभटी पीठ उपठारु अरुणंकर पाद पर्यंत 25 फुट उच्चता। आपण कहिबे ये अरुण स्तंभर उच्चता केते ना 25 फुट मापिजंती मापंतु थरे जानी पारिबे सिंहद्वार उच्चता केते महाप्रभु अरुण स्तंभ केते उच्चरे बसिछंती जहाकु आपण मारे उड़ीसार विद्या गुटिया आज्ञा साधारण बाँश नली रे मध्य मापिबार शक्ति थिला से होछंती पठाणी सामंत। आमे बा कौन महाप्रभु को बा आमे कौन करी परिबा कही परिबा बा महाप्रभुंकर ये अरुण स्तंभ को बा आमे कौन बा किपरि भावरे मापी परिबा 25 फुट 2 इंच अटे किंतु पीठर पतन ठारु अरुण शिखा पर्यंत स्तंभर उच्चता है 33 फुट 8 इंच उसार समान आउ 7 फुट रे 9 इंच लंब से उसार 6 फुट उच्चर एक पीठ उपरे अरुण राज अरुण ही निजे रही छंती। पीठटी कला मुगुनी प्रस्तर निर्मित ता सहित स्तंभर व्यास 2 फुट ओ गोलेई मध्य 6 फुट 3.5 इंच मध्य। पीठटी अति उच्च धरणर कार्य कारुकार्य रे मंडित होबा सहित स्तंभ पीठर गात्र रे सूक्ष्म कारुकार्य संपन्न अनेक कमनीय मूर्ति शोभा पाउछि। सूर्य देवतांकर सारथी अरुण जोड़हस्तरे उपविष्ट एक सुंदर क्षुद्र मूर्ति यही विशाल स्तंभ उपरे विराजमान करिछंती आज्ञा। महाप्रभु अरुण देवता छोट किंतु विशाल काय स्तंभ उपरे विराजमान करिछंती। एठारु जानी पारिबे ये अरुण स्तंभर महात्म्य केते रहिछि अरुणंकर महात्म्य केते रहिछि। दुई भाई आज्ञा ठारे विराजमान करिछंती काहेकि ना भितरे महाप्रभुंकर गरुड़ स्तंभ रहिछि बाहरे महाप्रभुंकर अरुण स्तंभ रहिछि। दुई भाई महाप्रभु एठारे विराजमान करिछंती जणंकर स्तंभ को स्पर्श करी समस्ते गमन करिबा बेले आउ गोटे स्तंभ को मध्य कौन करुछंती ना आलिंगन करी पकौछंती समस्ते आज्ञा। स्पर्श द्वारा एठारे शक्ति प्राप्ति होई थाय आरोग्यता प्राप्ति होई थाय समस्ते आरोग्य हेले त महाप्रभुंकर पाख को जिबे ना सेथि पाई आरोग्य करिबा पाई समस्तंकर भितरे मनोबल को दृढ़ हेवित करिबा पाई एठारे अरुण विराजमान करिछंती। संपूर्ण भावरे देखिले सूर्य देवतांकर सारथी अरुण एठारे विराजमान करिछंती। आज को 100 वर्ष पूर्वे राज्य बाहर केतेक ऐतिहासिक और गवेषक मानंकर मत मध्य रही अरुण स्तंभ उपरे ध्यान अवस्था रे एक मर्कट मूर्ति रही बोली मध्य भूल तथ्य प्रदान करती मांकड़ मूर्ति बोली मध्य कही कही मध्य कही थांती बाहर किंतु देखती ना ही कौन रही किपरि भाव रही कौन रही कौन किंबदंती एक मध्य समस्ते भाव किंतु प्रकृतर पक्षे मूर्ति होती अरुण ये अरुण विराजमान कर परंपरा अनुजाई यही पवित्र अरुण स्तंभ निकटरे
अरुण स्तंभ ठारु आ गया आउ जाहे नाही किछि दिनिस भीतर को प्रवेश करे नाही ये अरुण स्तंभ परे परे कौन ना जोता छत्ता कैमरा चमड़ार जिनिस द्रव्य साइकिल गाड़ी इत्यादि मध्य प्रवेश करेबार निषेध रही। रथयात्रा समय रे पूजा पंडा सेवक माने स्तंभ ठारे उपस्थित रही भक्त मानंकर प्रदत्त भोग द्रव्य को रथारूढ़ ठाकुर को उद्देश्य रे नैवेद्य समर्पण करिथांती। जेपरि भाव रे मंदिर भितरे रही जगमोहन रे महाप्रभु को मध्य भोग नैवेद्य करिथांती। ये मध्य गोटे रही मंदिर सत्वलिपि सेवा नंबर 64 रे उल्लेख रही जे सेवक एठारे गरुड़ सेवक चुनरा सेवक सेवक अरुण को मध्य सेवा करती ओ ए जहा भक्त मान दियंती ताहा मध्य नबार तंकर मध्य अधिकार रही। चुनरा सेवक बा गरुड़ सेवक यही अरुण स्तंभर दायित्व रे रही अनेक वर्ष धरी ए स्तंभर चतुर्पार्श्वरे लुहा ग्रिल मान लगा जाई यहार सुरक्षा दिया जाउछ किंतु कमनीय विग्रह थिबा द्वारा प्रत्नतत्वविद माने एको सुरक्षा मध्य दिया जाइछि। भारतीय प्रत्नतत्व सर्वक्षण संस्था पक्षरु एही ग्रिल समेत अरुण स्तंभर संरक्षण और मरामती कार्य मध्य हाथ में रखा जाए। अरुण ठारे विराजमान करिछंती जो विराजमान करी कौन पाए विराजमान करिछंती सिंह द्वार रे ताहा तो निश्चित भाव रे अपन माने जानुथिबे। महाप्रभु किछि ना किछि कारण नथाई किछि करंती नाही बिना कारण रे किछि हुए नाही पत्रटिए होले नाही तंकर आज्ञा बिना तंकर अनुमति बिना किछि मध्य साधन हुए पारे नाही। सेति पाई निश्चित भाव रे महाप्रभुंकर ये गोटिए मध्य देखिबाकु गले तंकरी द्वारा ही से सबु करांती आज्ञा हर्ता कर्ता दैवा विधाता आज्ञा। महाप्रभु सदा सर्वदा रहिछंती आउ तंकर मध्य करुणा समस्ते प्राप्ति होउछंती। महाप्रभु सबु किछि कराउछंती तंक बिना आउ किए कराई परी कला बाला सिए दबा बाला मध्य सिए नवा बाला मध्य सिए सेति पाई तो ये जहा किछि होउछि सबु महाप्रभु ही करुछंती। महाप्रभुंकर दान आज्ञा महाप्रभु ही सबु किछि कराइछंती। अरुण स्तंभ को मध्य तंकरि आज्ञा रे मध्य स्थापना करा जाइछि। गोटिए कथा मने पड़ी जाय थाए महाप्रभु जहा करंती प्राणीर मंगल पाई करंती सेति पाई तो कहा जाइछि प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी प्राणीर भल मंदर विचार करिपरंती केवल मणिमा कालिया ठाकुर आज्ञा। तांको छाड़ी देले आउ केही मध्य तंकर कथा को केही बुझी पारंती आज्ञा। आमे बा कौन बुझीबा तेल लुण संसार करिथिबा ये बद्ध जीव महाप्रभु को बा कौन जानिब। महाप्रभु को जानिबा को हेले सेतिकि महाप्रभुंकर विषय रे मध्य बुझीबा को पड़िब। महाप्रभु की परिभाव रे तंकर कृपा को व्यक्त करिछंती कृपा को समस्तंकर पाखरे खुली देइछंती आज्ञा। सेति पाई तो महाप्रभु को कहा जाय थाए आपणंकर कृपा बिना
किछि हेबो नाही आपणंकर कृपा बिना महाप्रभु मणिमा किछि मध्य हुए नाही हेबो नाही मध्य सेतिपाई महाप्रभु को समर्पित हो जांतु महाप्रभु को जेते बेले समर्पित हो जिबे सबु किछि हो जिबो निर्माल्य प्राप्ति हो जिबो अप्राप्य जहा तहा स्वतंत्र भाव रे प्राप्ति हो जिबो महाप्रभुंकर आज्ञा हेले जहांकर आज्ञा ब्रह्मा शंकर हंती वणा तंकरी आज्ञा को समस्ते अनै बसिथंती आज्ञा से भली भाव र सहित महाप्रभु एठारे लीला करुछंती से लीला को आपण माने मध्य दर्शन करथिबे निश्चित भाव रे कहा जाय छि जे महाप्रभु को नै अनेक प्रकार र कथा सिथाय किए कौ भली भाव रे महाप्रभु को भल पाए से मध्य स्वतंत्रता रही से स्वतंत्र सर्वतंत्र भितरे आमर ए कालिया शांत कौन करती जानिछंती ये भक्तंकर जीवन भक्तंकर प्राण भक्तंकर ये सबु किछि आज्ञा भक्त टीए जते बेले आसे महाप्रभुंकर पाख को महाप्रभु को टिके देखे महाप्रभु अछंती ए कथा भावना करे जुआड़े जाए से सही कथा कहे जेते बेले मु तुम आखिरु लुहा झरी जाए आउ जदी लुहा झरी जाए लुहा कहीं की कहाँ पाई झरुची भावी थाए से लुहा बहु कष्टर होई थाए बरंग स्नेह भरा होई थाए बा प्रेम भल पाई बारे हु लागे सते जेमिति गोटिए हजी जाई थिबा मणिषटिए मिली जाई छी आत्मा को संतुष्ट करिबा करुथिबा प्रेम प्रेम ना परिवार रा ना कौनसी नारी रा प्रेम हेउछी आम उड़िया रा मौड़ा मणि आम घर रा मुरबी पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर प्रेम आज्ञा बेले बेले तुम प्रति छवि हृदय रा आग अगणा रे आनिबा को चेष्टा करे तुम भावना राइज रे घुमरी बुलिबा को तुम हाथ धरी बाट चालीबा को इच्छा लागे किंतु जानी पारे नी तुम हाथ केमिति धरीबी सभीए कुहंती तुम हाथ धरिले जीवन र सबु कष्ट को लांघिबार साहस आसी जाई थाए काहिं कि ना मो महाप्रभु अछंती ना एई भावना आसी जाई थाए जेउठी महाप्रभु अछंती सेठारे किछि दरकार नाही जेते बेले लागे जेमिति तुमे मो साथी रे मुहूर्ते मुहूर्ते अछ प्रतिटि मुहूर्त रे तुमरा उपस्थिति रे अनुभव हुए तुमरा प्रेमरा तुमरा स्नेहरा तुमरा आशीषरा जदी किछि कष्ट हुए लागे जेमिति तुमे एका मो मणिमा मो कालिया शांत बोधे आउ मो पाखरे नहंती कष्ट हेले अनुभव हुई थाए महाप्रभु काई किना ये कष्ट अनुभव करन करी पारे नाही आपण जते बेले थांती मणिमा महाप्रभु ये कष्ट होई थाए आपण जदि मते न देखु थांती मो मणिमा मो कालिया शांत मो पाखरे रहंती निश्चय मो द्वारा किछि गोटिए भूल होई जाइथिबो बोधे सेति पाई मो शांते मो मणिमा मते एका छाड़ी दे जाइछंती मु तो सामान्य मणिषटिए मणिष प्रकृति छाड़ी बा छाड़ी दिबा केमिति किछि पाई गले किछि होई गले किछि मिली गले लागे जेमिति तुमे अछ
ये मनीषर प्रकृति आज्ञा महाप्रभु अछन्ति ए कथा से भावे जिते बेले सब किछि प्राप्ति होइ जाउथुब अप्राप्त्य को प्राप्ति कराइबा लोक तो आज्ञा आपण आज्ञा आपण को छाड़ी आउ किए बा अछि संसार रे ये मनीषर तो प्रकृति आज्ञा मनीषर प्रकृति छाड़ी बा केमिति किछि पाई गले किछि होई गले आपण ही अछन्ति आउ किछि न पाए ताहले तुमर अस्तित्व जेमिति मरुभूमिर गोटे प्रहलिका जेमिति गोटे प्रश्नवाची धन्य महाप्रभु आपणंकर एई पाइबा न पाइबार मनीष ये भक्त टीए महाप्रभु धन्य महाप्रभु आपणंकर एई पाइबा न पाइबार मनीष बेले बेले निज को गोटे मनीष बोली कहिबा पाई लाज लागुछि किंतु जदि जते केते बेले जते बेले मध्य मोर ए हृदय दुर्बल हो जाए तेबे ए हृदय को बुझेई दिए मो महाप्रभु अछन्ति ना ए दुर्बल हो गले आपण माने मध्य जते बेले कुआडे जाउछन्ति किंबा निराश होउछन्ति ए कथा भावंतु ना कौन भाविबे मो महाप्रभु मो कालिया शांत अछन्ति ना किछि हब नाही डर कहाकू भय कहाकू मो कालिया अछन्ति चौबाहाकू बेले बेले लागे आंठु नहीं तुम सामनारे बसी लुह आउ कोहकू एक बार करी हाथ जोड़ी कहिबा पाई जे मु एक तुमकू चाहुछी मणिमा तुमकू ही चाहुछी मणिमा तुम प्रेम को चाहुछी चाहुछी तुमर भल पाइबार पथ चाहुछी तुमर हाथ धरिबार उपाय चाहुछी मोर निश्वास विश्वास प्रश्वास उश्वास सब तुमे ही जाओ दिवाराती केवल तुम तुमे ही तुमे थाओ मणिमा प्रति मुहूर्त रे तुमरी संगरे मो जिह्वाग्र रे आसी जाऊ तुमरी भावना सर्वदा आसु चाहे तुम प्रतिटि बेश तुम अभड़ा तुम पतित पावन बाना तुम नीलचक्र मो भावना राइज रे घुमुरी बुलु थाउ मणिमा जेपरी भाव रे ये मनुष्य टीए स्वार्थ पर कारण जानी ये सबु किछि चाही थाए आपणक ठारु चाही थाए दुनियार सबु किछि महाप्रभु मते देई दियंतु किंतु से मनुष्य मध्य जिते बेले सबु किछि प्राप्ति होई जाए तथापि मध्य तार आशा सरे नाही आशा बढ़ी जाए किंतु भक्तर आशा से भली भावरे मध्य बढ़ी जाए आपण जेते देउ थांती काहीं ना आपण परा भक्तं को जाची दे छंती वर कण खाई भुंजु जगन्नाथ हात न सुखीब जेते देउ थिब सेते खाउथिबी जेते महाप्रभु को देउ थिबे भक्त माने सेते महाप्रभु खाउथिबे सेथि पाई परा भक्तर मध्य महाप्रभुंकर प्रति से भली भावरे आस्ते आस्ते महाप्रभु आज दर्शन देले काली या ठारु बेसी समय मते दर्शन दियंते नाही मणिमा आज मते दर्शन देले एई बेसरे काली टिके बड़ सिंघार बेसरे दर्शन दियंते नाही बड़ सिंघार बेश जेते बेले दर्शन करंती सेते बेले भक्त टीए भावे महाप्रभु आपणंकर तो एते कृपा रहिछि बड़ सिंघार बेश दर्शन देले आपणंकर से मंगल आरतीर दर्शन टिकक दियंते नाही आशा बढ़ी चले आज्ञा
आशा असु मारी सरे नाही, आशा असु मारी जाए मरी मरी। सही भली भाव जीवन टा लगे व्यथ व्यथा लगी थाए, किंतु महाप्रभु को पाइबार आशा सदा बेले बढ़ीबा दरकार। आज्ञा चाहे प्रतिटी वेश तुमर अभड़ा तुमर निर्माल्य तुमर तुलसी तुमर चंदन तुमर प्रतिटी बासुथिबा आपणकर सेई अनुभव को जेपरि भाव प्रतिटी मुहूर्त रे मु अनुभव करिबा पाई भक्त टीए चाहे तुमर पर, किंतु पर मुहूर्त रे मन को एहा कही बुझाई दिए जे आरे से परा कामना कल्पतरु जहा जेमिति कहिले से कल्पतरु समान सबु पूरण करी देवी। काहिंकि कहिबी से परा रसिक रसिकेन्द्र मौली जगतर समस्त प्रकार रस तांक पाखरे समुचित, जगतरे समस्त प्रकार रस जहाँ पाखरे समुचित, जगतरे जेते प्रकार रस अच्छी तहिरे बोधे मणिमांकर प्रति यही प्रेम रस मध्य नियारा। हे मणिमा एमिति खाली गुहारी मणिमा निस्तारी दियो, मणिमा निस्तार दियो, मणिमा निस्तार दियो, तुम प्रेम रसरे मते रसई दियो, मणिमा रसई दियो। भावुथिबी देखुथिबी पुनर्बार आपणंकु मु स्मरण करुथिबी महाप्रभु, जिए मते जहा कहु मते पागल मूर्ख जहा भावुछि भावु मोर किछि जाय आसे नाही। शांते तुम प्रतिटि प्रेम मो प्रति एमिति अतुट रहु मणिमा, तुमरी नाम को स्मरण करी ए जीवन चली जाऊ। कारण कथा अछि परा दुनिया रे भितरे कोटिए देवता सबिए कहंती मुंडिया पका, कोटिए भितरे गुटिए देवता महाप्रभु केवल कहंती कण आलिंगन करी दबा पाई। कोटिए भितरे गुटिए देवता जिए मते कहे कुंडई पका, जहां को देखिले ए जाति सदा सर्वदा आलिंगन करीबा पाई इच्छा करी थाए। तुमको आलिंगन करीबा को चाहे मणिमा, आलिंगन करी मोर एक क्लांत मन शरीर आत्मा को शांत करीबा को चाहे। थरे एमिति हुंता कारण मु मन को बुझाई देछि मो महाप्रभु अछंती निश्चित भावरे करिवे, एथिरे तिले मात्र संदेह नाय। मा महाप्रभु अछंती जहा हेउछि तांकरि आज्ञा रे हेउछि, जहा करुछंती कालिया शांत ही करुछंती, आउ किए बा करिव कहार शक्ति अछि पत्र टिए को हलाइबा पाई जा कहार शक्ति नाही, केवल मणिमा ही से सब करि थांती। आज्ञा एते भक्त आसुचंती मणिमांकर पाखरे दर्शन करिबा पाई, आमे दर्शन करु न करु महाप्रभु आमनकु दर्शन करुछंती। यहाँ पर निश्चित भावरे भाभी रखंतु किए देखु न देखु आमको महाप्रभु देखुचंती, या निश्चित भावरे आपण चिंता करि पारुथिबे। कारण महाप्रभु चका चका नयनरे पुणी चका वैठी पकई, महाप्रभु चका पिंडी उपरे मध्य बस विराजमान करिछंती। तंकर दृष्टि समदृष्टि दिया ठाकुर बोली कुआ जाइछ, समस्तंकर उपरे समान दृष्टि रही थाए, बाछ विचार न थाए महाप्रभुंकर। देखुचंती अरुण स्तंभ सिंहद्वारर शोभा, बेले बेले इंद्रदेव तांकर पुष्पवृष्टि जहाँ को आउरी मध्य सुंदरातीत करी दौची। ये रात्रर देखुचंती जेपरी भावरे मझिरे मझिरे महाप्रभुंकर से श्रीमंदिर को
धौत करिवार सहित रास्ता घाट को मध्य इंद्र देवता कौन करुछंती टिके वर्षा माध्यम रे आउ टिके कौन करी दौछंती विभिन्न प्रकार रा आपण दर्शन करुछंती कण महाप्रभुंकर से सिंहद्वार रे पतित पावनंकर अधे बा सिंहद्वार रा जो कबाट अच्छी अधिक कबाट पड़ी जाई थी ता माने महाप्रभुंकर संध्या धूप सरी जाई थी। ये संध्या धूप जेते बेले सरी जाई थी ता भितरे महाप्रभुंकर भितर मध्य दर्शन चली थी भितर काठ दर्शन निश्चित भाव रे जो माने भितर काठ को दर्शन करिबा पई इच्छा ए समय रे आसंतु महाप्रभुंकर सकाळ समय रे भितर काठ दर्शन करि परिबे ता सहित सकाळ धूप परे मध्य पुनर्बार भितर काठ दर्शन करि परिबे पुनर्बार दीपर धूप परे मध्य भितर काठ दर्शन करि परिबे आउ ए संध्या समय रे रात्र समय रे महाप्रभुंकर रात्र रे जेते बेले संध्या धूप सरी जीव सेते बेले मध्य भितर दर्शन महाप्रभुंकर करि परिबे जेहेतु एबे चली छि मास भितरे पुरुषोत्तम मास ए पुरुषोत्तम मास रे निश्चित भाव रे क्षेत्रर नाम पुरुषोत्तम ए पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसंतु आ महाप्रभु को दर्शन करी अनेक कृपा मध्य लाभवा सहित महाप्रभुंकर से अपलक नयन को टिके देखी दे जातु जेपरि भाव रे आमर मोबाइल आम धरुंट चार्ज आस्ते आस्ते सरी जाए आम चल द्वारा से भली भाव भक्त माने चिंता करती आम कि दिन गलापर आमर ये शरीर रु संपूर्ण भाव भक्ति रूपक गंगा सुखी जाए ताकू किपर भाव पुनर्बार उज्जीवित करना पुनर्बार चार्जिंग दरकार ये किपर भाव ना महाप्रभु को देखा द्वारा महाप्रभुंकर नयन रे नयन मिसाइवा द्वारा ये धाम रे पाद पड़गले आज्ञा पहुँची बाब डे सेणु पाई बातुंडे महाप्रभु कहउछंती समस्त भक्त माने मध्य कुंती एठारे पाद पड़गले से संपूर्ण भाव रे चार्ज हो जाती अनेक प्रकार अनुभूति आसी जाई थाए से भले भावर सहित महाप्रभु एठारे से दृष्टि रे समस्त को अनेइछंती निश्चित भाव रे आपण माने आसंतु महाप्रभु को दर्शन करंतु सिंहद्वार रे प्रवेश करी महाप्रभुंकर बाईसी पावच कोटि के अतिक्रम करी महाप्रभु को दर्शन सहित पुरुषोत्तम नारायण बराह नारायण को यही मास रे मध्य दर्शन करंतु दर्शन भितरे यही मास रे मध्य महाप्रभुंकर नाम को मध्य भजन करिबा निहाति भाव रे आवश्यकता अछि से नाम कण ना जगन्नाथ 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 पाही मा जगन्नाथ 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 रक्षवाम जगन्नाथ 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 पाही मा जगन्नाथ 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 त्राही मा महाप्रभुंकर इबले दर्शन करुथंतु आसंतु ए कथा प्रवाह को आग को नबा पाई मोर बड़ भाई पंडित श्री पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा मध्य अछंती ए कथा को आग को नहीं दिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।